गुड इवनिंग टू ऑल. माई सेल्फ मोहम्मद मुजाहिद खान, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सवाई माधोपुर. आज हम यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुछ टाइप्स और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एंड वेल्डिंग डिस्टॉर्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो हमने लास्ट टाइम पर जो है कुछ रेजिस्टेंस वेल्डिंग्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जैसे कि आपका स्पॉट वेल्डिंग है और सीम वेल्डिंग, परकशन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, इन सभी को हमने डिस्कस किया था. आज हम एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. ये भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही टाइप है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग. हिंदी में इसको बोलेंगे हम प्रक्षेप वेल्डन इसको हम हिंदी में बोलेंगे. इसमें क्या करते हैं कि इसमें सिस्टम वही है कि इसमें भी हम क्या करेंगे कि वेल्डिंग जो है वो ट्रांसफार्मर लेंगे, एक ट्रांसफार्मर से जो है वो सेकेंडरी कोयल से एक कनेक्शन करेंगे हम मूवेबल इलेक्ट्रोड का, और दूसरा जो सेकेंडरी का जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करेंगे हम फिक्स इलेक्ट्रोड से. दो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं. लेकिन डिफरेंस ये है कि इस वेल्डिंग को करने से पहले हमें जिन दो पार्ट्स को वेल्ड करना है आपस में, उनमें से एक पार्ट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शंस बनाने होंगे. प्रोजेक्शंस का मतलब है कि पहले से उस पर कुछ उभार हमें दे करके रखने होंगे, ताकि जैसे ही हम प्रेशर करें यहाँ से तो हीट जो जनरेट होगी वो यहाँ पर इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर होगी. मीन्स कि जिन पार्ट्स को हमें वेल्ड करना है वहाँ जो उनका जहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा वहीं हीट जनरेट होगी, और जैसे ही हीट जनरेट होगी मेटल अपने फ्यूजन पॉइंट पर जैसे आएगी वैसे ही हम प्रेशर लगा करके ऊपर जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है इससे प्रेशर लगा करके इन दोनों को हम वेल्ड कर देंगे. तो वेल्डिंग कहाँ पर होगी, जहाँ पर कि प्रोजेक्शंस होंगे, जहाँ पर कि प्रोजेक्शंस होंगे उसी पॉइंट के ऊपर केवल वेल्डिंग होगी. तो ये इसका एक प्रिंसिपल है. मैं प्रिंसिपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग वाला ही है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो मेटल्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और हीट ज़्यादा जनरेट होने से उस पॉइंट के ऊपर वो फ्यूजन पॉइंट पर फ्यूजन स्टेट में आ जाएगी, और जैसे ही फ्यूजन स्टेट में आएगी हम प्रेशर लगा करके मेटल्स को वेल्ड कर देंगे. तो ये आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग का प्रिंसिपल है. ऊपर जो हमें जो हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं इनमें उनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. तो एक तरीके से हम देखें तो इसमें क्या है कि बहुत सारे स्पॉट वेल्डिंग एक साथ में हो रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. तो बहुत सारे स्पॉट वेल्डिंग जब एक साथ करने हो तो हम उस वहाँ पर यूज़ करेंगे कौन सा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग. तो इससे कुछ हमें बेनिफिट्स हैं, इसको जो मेनली यूज़ करते हैं वो हम वायर्स को ऐड करने में काम में लेते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को. तो इसे कुछ एडवांटेजेस हैं कि एक से अधिक स्पॉट वेल्डिंग एक बार में किए जा सकते हैं, क्योंकि वो किस पर निर्भर करेगा, प्रोजेक्शंस कितने हमने देकर रखे हैं. जितने ज़्यादा प्रोजेक्शंस हम वर्कपीस पे देकर रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें स्पॉट वेल्डिंग वहाँ पर मिल जाएंगे. कितने मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रोड है उसका साइज़ क्या है. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड का साइज़ होगा उतने ही ज़्यादा हम इस पर क्या दे सकते हैं, वर्कपीस के ऊपर प्रोजेक्शंस देकर के रख सकते हैं. इस तरीके से हम ये करते हैं. इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोड्स का जो लाइफ है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बड़े इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा एरिया के इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं जो कि हाई हीट और टेम्परेचर पर अपनों को रेजिस्टेंट कर सकते हैं. तो इसलिए इलेक्ट्रोड्स की जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में क्या था, एरिया कम था, पॉइंटेड इलेक्ट्रोड थे, तो वो उनका वेयर एंड टियर भी ज़्यादा होगा. इसमें क्या है, हम इसको हम क्या करेंगे, डिसिमिलर और जो मोटे जो कार्यखंड है उनको भी इस मेथड से हम जोड़ सकते हैं, और हाई जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिस मेटल की होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस बनाएंगे. इस मेथड के ये कुछ बेनिफिट्स हैं. इसके अंदर जो है श्रिंकेज भी कम होगा और डिस्टॉर्शन भी इस मेथड के अंदर हमें कम मिलते हैं. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जिन मेटल्स के ऊपर हम प्रोजेक्शंस ही नहीं बना सकते उनको वेल्ड कैसे करेंगे. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन मेटल्स के ऊपर हम प्रोजेक्शंस ही नहीं बना पाएंगे उनको हम वेल्ड कैसे करेंगे. तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कि हम यहाँ डिस्कस करते हैं. जैसे कि पीतल, ब्रास, कॉपर, इनके ऊपर हम प्रोजेक्शन नहीं बना सकते तो इनको हम वेल्ड भी नहीं कर पाएंगे इस मेथड से. और दूसरा ये है कि इसके अंदर पहले एम्बोसिंग करके हमें प्रोजेक्शन बनाने होते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तीसरा ये कि
स्पेशल जो है इलेक्ट्रोड्स भी इसमें कई बार बनाने होते हैं, या तो हम प्रोजेक्शन वर्कपीस पे बना दें या फिर हम प्रोजेक्शन किस पे बनाते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर बना दें। तब इलेक्ट्रोड पे अगर हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो हमें ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन है वो हमें अच्छे से करना होगा। इसके एप्लीकेशन कहाँ हैं, हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसको यूज़ करेंगे, और रेफ्रिजरेटर के जो पीछे की जो वायरिंग होती है जिसमें कि आपका रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, उनकी जो उसमें जो अपने वायर्स होते हैं उनको हम इसी मेथड से ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो ये कुछ अलग तरीके का मेथड है, ये इसमें कुछ हम आर्क वेल्डिंग का कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो प्रोजेक्शन जो वेल्डिंग था वो तो आपका था रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप, ये नया एक वेल्डिंग है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो हम अनकोटेड यूज़ करते हैं, अनकोटेड हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि अनकोटेड इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में, वर्क पीस और अनकोटेड इलेक्ट्रोड के बीच के अंदर, जैसे ये अनकोटेड इलेक्ट्रोड है इसके और वर्क पीस के बीच में आर्क जनरेट होगी, आर्क जनरेट होगी वर्क पीस का कनेक्शन और जो अनकोटेड इलेक्ट्रोड कनेक्शन को हम एसी या डीसी सप्लाई से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और इसमें एक और मेथड, एक क्योंकि अनकोटेड इलेक्ट्रोड है इस पर फ्लक्स की कोटिंग नहीं है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ग्रेनुलर फ्लक्स को हम एक ट्यूब की मदद से यहाँ से फ्लो करवाते रहते हैं, जो कि वर्क पीस और कार्यखंड जो है जो और ये इलेक्ट्रोड जो है बेयर इलेक्ट्रोड इन दोनों के यहाँ पर ऊपर की तरफ वो फैला रहता है, दानेदार जो इलेक्ट्रोड है वो फैला रहता है। तो हमें दो चीज़ मूव करनी होगी, एक तो फ्लक्स की फ्लक्स जिस ट्यूब से हम फ्लो करवा रहे हैं वो, और दूसरा हमें जो हमारा बेयर इलेक्ट्रोड है उन दोनों को हमें एक साथ में मूव करवाना होगा, क्योंकि इससे तो हमें फ्लक्स मिलेगा दानेदार और इससे हमें क्या मिलेगी, मेटल मिलेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है बेसिकली। तो ये जैसे ही आर्क वेल्डिंग के थ्रू जब आर्क जनरेट होगी वर्कपीस और बेयर इलेक्ट्रोड के बीच में, तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो पिघलता जाएगा और उसको ऊपर से कवर कौन करेगा, फ्लक्स, दानेदार फ्लक्स उसके ऊपर जो है मेटल उसको ढकता हुआ आगे बढ़ेगा। फ्लक्स ढकने का मतलब ये है कि वो जो फ्लक्स है वो वेल्डेड मेटल को एनवायरमेंट के कॉन्टामिनेशन से बचाएगा, कॉन्टामिनेशन से वो बचा लेगा उसको। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम बेयर इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं और जो हमें आर्क, और इसके अंदर हमें आर्क नहीं दिखाई देगा क्योंकि आर्क जो है वो फ्लक्स से ढका हुआ है, आर्क जो है वो फ्लक्स से ढका हुआ है। यहाँ देख रहे हैं हम क्योंकि ट्यूब है, ट्यूब और इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर अंदर कहीं, यहाँ पर अंदर बीच में कहीं आर्क जनरेट होगी, लेकिन वो दानेदार जो इलेक्ट्रोड जो फ्लक्स जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर दानेदार जो फ्लक्स है इससे ये ढका हुआ है, तो हमें आर्क यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, इस मेथड के अंदर हमें आर्क बनती भी नहीं दिखाई देगी। प्रोसेस वही है कि हम या एसी सप्लाई करें या डीसी सप्लाई करें, जो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वो क्षयकारी होगा, मतलब वो पिघलता हुआ आगे बढ़ेगा, और आर्क को हम किससे, फीडर ट्यूब की मदद से आर्क को ऊपर, दानेदार फ्लक्स को जो है फीडर ट्यूब की मदद से हम डालते जाते हैं। डीसी और एसी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्लक्स के नीचे का जो पार्ट है वही केवल किसके जो संपर्क में होगा, जोड़ के संपर्क में केवल वही पार्ट होगा जो कि वेल्डेड जो मेटल है उसके कॉन्टेक्ट में केवल फ्लक्स का नीचे वाला पार्ट होगा, और ऊपर वाला जो पार्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ फैला हुआ है तो नीचे की तरफ भी ये होगा, तो वेल्डेड मेटल के कॉन्टेक्ट में इसके नीचे वाला पार्ट आएगा फ्लक्स का, तो वो जल्दी पिघलेगा। ऊपर वाला पार्ट है ये, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको, अगर हमें हमारा ये यूज़ नहीं हुआ है तो हम इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पिघलेगा नहीं, ऊपर की तरफ है तो वो नहीं पिघल पाएगा, उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस मेथड का जो है वो प्रक्रिया है, और इस मेथड की ये कुछ लाभ हमें मिलते हैं। इसमें ये है मेथड, इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि हम इससे जो है फास्टर वेल्डिंग मिलती है हमें, और फास्टर इससे वेल्डिंग मिलती है, काफ़ी बड़े जो है थिकनेस के जो जॉब्स हैं उनको भी हम सिंगल पास के अंदर वेल्ड कर सकते हैं, और 1 मिलीमीटर तक के पतले जॉब को भी हम इस मेथड से वेल्ड कर सकते हैं, और इसके अंदर स्पेटर की समस्या भी नहीं होती, मतलब धातु जो है इधर उधर नहीं छिड़कती है, क्योंकि स्पेटर को कौन बचाएगा, आपका फ्लक्स बचाएगा, फ्लक्स जो है वो दानेदार फ्लक्स है जो कि
पिघलता भी जाएगा और वो आपका स्पेटर को नहीं होने देगा, मेटल को इधर उधर वो फैलने नहीं देगा और एनवायरनमेंट के कॉन्टेमिनेशन से वो बचाएगा। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वेल्डिंग विकृति एवं वेल्डिंग दोष, कुछ जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मेटल्स जो है वो आपस के अंदर जब जुड़ती हैं वो, तो उनमें कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं और वो उनमें कुछ ना कुछ डिस्टोर्शंस पैदा हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब मेटल को गर्म करते हैं तो फैलती है और जब ठंडा करते हैं तो वो सिकड़ती है। तो जब मेटल जब कूल होती है तो वो अपनी रिलेटिव पोजिशंस को बदलती रहती है और उसकी वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और इसी टेढ़े मेढ़े होने को हम बोलते हैं वेल्डिंग डिस्टॉर्शंस, विकृति बोलते हैं उसको। तो अलग अलग तरीके की विकृति होती है, तो कारण क्या होते हैं विकृति के, पहला देखते हैं हम। पहला तो ये कि अगर पार्ट्स जो हैं वो अगर इक्वली हीट नहीं हुए हैं तो डिस्टॉर्शंस बनेंगे। दूसरा ये है कि ठंडा होते टाइम अगर वो सिकुड़ गए, सिकुड़ते टाइम अगर एक साथ अगर सभी पार्ट से अगर सभी जगह से अगर एक साथ नहीं सिकुड़ा है पार्ट, तो वहाँ पर भी आपके टेंशन्स बन जाएगी और वो डिस्टॉर्शंस का कोज होगा। जोड़ के तल अगर हमने इक्वल थिकनेस के नहीं रखें तो आपका डिस्टॉर्शन आएगा। अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की अगर दर समान नहीं है तो भी आपका क्या आएगा, डिस्टॉर्शन वहाँ पर बनेगा। तो कितने तरीके के डिस्टॉर्शंस होते हैं, तीन तरीके के डिस्टॉर्शंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुप्रस्थ विकृति और कोणीय विकृति। तीन तरीके की विकृति वेल्डिंग्स के अंदर हमें मिल सकती है। तो पहला हम देखते हैं कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन को यहाँ हमने दिखाया हुआ है कि ये क्या होगा, लेंथ के अलोंग होगा। जैसे अगर हम यहाँ वेल्डिंग इधर इससे इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन के अंदर जो है मेटल्स आपस में क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ऐसा ऐसा रोल होने की कोशिश करेगा, ये पार्ट क्या हुआ, ऐसे रोल होने की कोशिश करेंगे, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस मेटल के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर हमने यहाँ पर वेल्डिंग की हुई है, तो ये क्या हुआ, लेंथ के अलोंग ही इसके अंदर डिस्टॉर्शन हुआ है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग ही ये आपका कर्वेचर यहाँ पर आ गया है, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। ये या इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी लेकिन प्लेट जो है वो कॉन्ट्रेक्शन हो गया और ये वेल्डिंग के बाद में इसकी पोजीशन कैसी हो गई, ऐसी डॉटेड लाइन से इसको यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, तो ये वेल्डिंग के डिस्टॉर्शन की वजह से मेटल जो है वो आपकी डिफॉर्म हो गई है। तो अनुदैर्ध्य संकुचन होता है, इसमें क्या होता है कि वेल्ड रखा के समानांतर सिकुड़ती है, जिस डायरेक्शन में हम वेल्ड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर मेटल के अंदर क्या होगा, सिकुड़न होगी, तो उसको बोलेंगे हम अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ संकुचन, अगर वेल्ड ऐसे कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और सिकुड़न कैसे मिल रहा है अपन को, इस डायरेक्शन में मिल रहा है इधर की तरफ से, उसको बोलते हैं हम क्या, अनुप्रस्थ संकुचन। तीसरा है एंगुलर, कि अगर हमें किसी एंगल के चारों तरफ अगर मिल रहा है वेल्ड रखा के, अगर चारों तरफ अगर हमें संकुचन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हम कोणीय संकुचन। तो अनुदैर्ध्य में वेल्ड रेखा के जिस डायरेक्शन में वेल्ड कर रहे हैं उसी रेखा के अलोंग हमें अगर संकुचन मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य संकुचन। अनुप्रस्थ में, कि जिस डायरेक्शन में हम वेल्ड कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें मिल रहा है संकुचन, तो उसको बोलेंगे हम अनुप्रस्थ संकुचन। तो यहाँ पर कुछ ये है, लॉन्गिट्यूडनल को जो है वो कुछ इफेक्ट्स बताए गए हैं कि किस चीज़ का इफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन पर पड़ता है। अगर हम हाई करंट और बड़ी साइज़ के इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो वो सबसे कम विकृति होगी वहाँ पर, कम धारा वे छोटी साइज़ का इलेक्ट्रोड होगा तो वो सबसे कम विकृति भी देगा, बिल्कुल ये। और अगर इन दोनों के बीच की, अगर इन दोनों कंडीशंस के बीच की अगर हमने कंडीशन ली है तो वो हमें क्या देगा, सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन देगा। तो हम क्या करें, या तो हाई करंट रखें या फिर लो करंट रखें, और जो है साइज़ जो है इलेक्ट्रोड का वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हम रखें, तो हमें कम से कम डिस्टॉर्शन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हम वेल्ड कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन मिलता है। जैसे कि दो प्लेट्स हैं, बट वेल्ड अगर हमें करना है यहाँ से यहाँ तक, अगर हमने इस पार्ट को पहले जोड़ दिया है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम रह जाएगी और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है ये अगर जुड़ गई यहाँ पर पहले, यहाँ वेल्ड हमने कर दिया, अगर हमने हमारी स्पीड कम है और पहले अगर यहाँ पर वेल्ड कर दिया हमने, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, कुछ जोड़ दिया है हमने, तो इस तरीके की जो डिस्टॉर्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ विकृति। तो इसका एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट लगा दें, वेज बना दें, ताकि इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो पूरी लेंथ के अलोंग ही सेम रहे।
तो इसके लिए है कि उचित गैप रखें, संकुचन के लिए प्लेटों के बीच में उचित गैप रखा जाए, आर्क की गति को बढ़ाएं ताकि हमें जो है वो जल्दी से जल्दी हम अपना वेल्ड को कंप्लीट कर सकें, वेज को यूज़ करें ताकि उन दोनों के बीच की वेल्डिंग जो है वो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहे। तीसरा है आपका कोणीय विकृति, एंगुलर डिस्टॉर्शन। इसमें क्या होता है कि देख रहे हैं आप कि हमने यहाँ पर एक जो है वेल्ड किया हुआ है दोनों प्लेट्स को, बट वेल्ड है। अब इसमें क्या होता है, ओरिजिनल पोजिशन तो रोटर से दर्शाई हुई है लेकिन वेल्डिंग होने के बाद में वो कुछ ना कुछ एंगल पर डिस्टॉर्ट हो गई है, तो इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्टॉर्शन। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हमने एज प्रिपरेशन की तो हमने वी जॉइंट यहाँ पर बनाया था, वी जो है वो प्रिपरेशन करके हमने वी तरीके का हमने यहाँ पर गैप बनाया था। तो जब इसमें मेटल भरेंगे हम तो नीचे की तरफ तो कम मेटल होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा, वी के ज़्यादा मेटल होगा। जब ज़्यादा मेटल है तो विदली बात है कॉन्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से जो वेल्ड है वो आपका ऐसे मुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्टॉर्शन। इससे जो है वो हम एक तरीके से क्या करें कि अगर हम डबल ग्रूव बना दें, एक ग्रूव ऊपर की तरफ बना दें और एक ग्रूव नीचे की तरफ बना दें, तो दोनों क्या करेंगे अपने जो है वो इफेक्ट को आपस में कैंसिल कर देंगे और हमें वेल्डिंग जो जॉइंट है वो डिस्टॉर्शन फ्री मिल जाएगा, स्ट्रेट हमें मिल जाएगी हम प्लेट्स। अगर हम दोनों जैसे ऊपर बनाया वैसे अगर हम नीचे की तरफ बना दें, यू बना दें एक तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे, तो हमें जो है वो डिस्टॉर्शन फ्री हमें मेटल यहाँ पर मिल सकती है। तो उसको नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं कोणीय विकृति को, इसके लिए क्या करें कि संकुचन बल जो है वो डिस्टॉर्शन जो है आपके कॉन्ट्रक्शन फोर्सेज है उनको कम से कम रखें। उसके लिए हम क्या करें जो है वो आपका डबल ग्रूव बनाएं, ऊपर और नीचे एक जैसा बनाएं ताकि दोनों आपके एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। टाइम कम से कम रखें वेल्डिंग का, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा रखेगा तो रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है मेटल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी पहले और वो डिस्टॉर्शन वहाँ पर क्रिएट कर देंगी। संकुचन बलों को विरोधी बलों द्वारा संकुचित संतुलित करना चाहिए। और तीसरा है कि बैक स्टेप वेल्डिंग का हम यूज़ करें। बैक स्टेप वेल्डिंग मींस ये है कि हम वेल्डिंग की डायरेक्शन तो ये है लेकिन हमारा इलेक्ट्रोड का मूवमेंट है वो इधर से इधर होगा, मींस कि हमें यहाँ से अगर यहाँ तक वेल्ड करना है तो हम इलेक्ट्रोड को पहले कहाँ रखेंगे, ए पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इधर की तरफ मूव करेंगे, फिर हम बी पॉइंट पर रखेंगे और किधर की तरफ मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, फिर सी पॉइंट पर रखेंगे और इलेक्ट्रोड को मूव करेंगे अपन बी की तरफ, नेक्स्ट डी पॉइंट पर रखेंगे और सी की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से हम वेल्डिंग की डायरेक्शन तो इधर की तरफ है लेकिन इलेक्ट्रोड का मूवमेंट हमारा जो है वो बैक की तरफ होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन बैक स्टेप वेल्डिंग। बैक स्टेप वेल्डिंग करने से भी हमारा एंगुलर डिस्टॉर्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ मेथड थे, तीन तरीके के डिस्टॉर्शन है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन एंड एंगुलर डिस्टॉर्शन। इस तरीके से तीन हम डिस्टॉर्शन को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।